दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे रेडमी 7A का MI अकाउंट या FRP लॉक जो है किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अनलॉक टूल ओपन करना है, उसके बाद MI टूल आपको क्लिक करना है, सर्वर पर चेक लगाना है और यहाँ पे आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मोबाइल है Redmi 7A ये मेरिकल में भी सपोर्ट नहीं है, MRT में भी सपोर्ट नहीं है, UMT में भी सपोर्ट नहीं है। तीनों डोंगल में किसी भी डोंगल में अगर आप इसे अनलॉक करना चाहोगे तो अनलॉक नहीं होगा क्योंकि ये सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये ऑथराइजेशन है, ये सपोर्ट नहीं है, तो ये केवल अनलॉक टूल में ही अनलॉक होगा और आप खुद अपने से कर सकते हैं। और अनलॉक टूल खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और डिस्प्ले पर यहाँ पे नंबर शो हो रहा है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए एक FRP फाइल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करके आपको FRP फाइल सिलेक्ट करना है और वो FRP फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे वो FRP फाइल जो है उसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फोल्डर पर क्लिक करते रहना है आपको, अब यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में लोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, वो फाइल ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्ट हो जाएगा। फाइल सिलेक्ट हो चुका है, मोबाइल को आपको इडियल मोड में लगाना है और इडियल मोड में कैसे लाना है, आपको टेस्टिंग पॉइंट कैसे सेट करना है, इसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है अनलॉक टूल के ऊपर में, आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको फ्लैश बटन पर क्लिक करके फ्लैश कर देना है और बहुत ही आसानी से ये मोबाइल जो है FRP MI अकाउंट दोनों एक साथ जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेलकम 9008 पोर्ट शो नहीं कर रहा है, तो इडियल मोड में पहले आपको लगाना होगा। इडियल मोड में लग चुका है मोबाइल, बूट कर चुका है और बहुत ही आसानी के साथ जो है यहाँ से ये मोबाइल जो है FRP और MI अकाउंट जो है अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बोलते हैं कि मेरिकल UMT पर वीडियो बनाइए, मैं बता दूं आपको कि जो मोबाइल अगर मेरिकल UMT में सपोर्ट नहीं है तो उसका वीडियो मैं UMT मेरिकल में कैसे बना सकता हूं। और ये Redmi 7A जो है मेरिकल UMT में सपोर्ट नहीं है, MRT में सपोर्ट नहीं है और ये अनलॉक टूल में सपोर्ट है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया अनलॉक टूल के ऊपर में। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से मोबाइल जो है अनलॉक हो चुका है और कोई भी परेशानी नहीं हुआ। सिंपल एक छोटा सा कुछ KB का FRP फाइल होता है, उस फाइल से हमने फ्लैश किया और इसका MI अकाउंट FRP दोनों रिमूव हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।